क्या खूब गाया, खुद को अपनी नजरों से गिराना छोड़ दो, खुद को अपनी नजरों से गिराना छोड़ दो, जब लोग न तुम्हें समझे तो उन्हें समझाना छोड़ दो। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल DMR राशिफल में। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का 4 अप्रैल दिन रविवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और तुला राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे आज तुला राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। मित्रों आपकी भी तुला राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों आज का दिन रविवार है, सूर्य भगवान का दिन है, सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करें मित्रों और कमेंट में जय सूर्य भगवान लिखें। सूर्य भगवान आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों अब बात करते हैं आज की चाड़ी के नित्य ज्ञान के बारे में। आज चाड़िक जी कहते हैं कि इंसान को कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब इंसान साहस नहीं दिखाता तब तक जीवन की रेस नहीं जीत हासिल करता और उसके लिए हम मुश्किल होता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं इंसान को राशि और भाग्य की बजाय अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि राम और रावण दोनों ही एक ही राशि के थे, लेकिन उन्हें परिणाम उनके कर्मों के हिसाब से मिला। आचार्य चाणक्य जी के मुताबिक किसी भी इंसान के खराब समय में उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। वो बताते हैं कि समय के साथ धीरे धीरे हीरे भी कोयले में बदल जाते हैं। वही चाणक्य जी कहते हैं कि कामयाब जीवन व्यतीत करने की चाहत रखने वाले व्यक्ति को बहरा हो जाना चाहिए और संसार में किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए जिससे उसका मनोबल नीचे हो। कुछ न कुछ करने वाले व्यक्ति हमेशा मनोबल गिराने का काम करते हैं। चाणक्य जी कहते हैं हमेशा किसी भी इंसान की किसी को खुद से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी का समय समय अलग होता है। ठीक वैसे ही सूर्य और चंद्रमा अलग अलग समय पर चमकते हैं। मित्रों यही था आज की चाणक्य नीति का ज्ञान। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं आज के पाचांग के बारे में। पाचांग 4 अप्रैल दिन रविवार है, तिथि चल रही है अष्टमी, नक्षत्र चल रहा है पूर्वा, अषाढ़ ऋतु चल रहा है वसंत ऋतु, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्योदय होगा 6:10 और सूर्यास्त होगा 4:48 पर। आज का अशुभ समय 10:58 से 1:32 तक। आज का अशुभ समय 3:24 से 4:40 तक। आज तुला राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 8 है और भाग्यशाली दिशा पश्चिम है और भाग्यशाली रंग पीला है। मित्रों अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के बारे में। राशि आज का दिन अनुकूल रहेगा और काम में देरी होगी, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे, बड़ी बहन से उपहार प्राप्त होगा, दूसरों को सहायक रहेंगे, रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा, घर के सामानों की खरीदारी करेंगे, रिश्तेदारों से मिलना होगा, जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनेंगे। वही आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की, अगर आप बेवजह फिजूल के खर्च करेंगे तो अपने के लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक धार्मिक सेवा के कार्यों के में भी मन लगेगा, पारिवारिक अशांति बेवजह विशेष रूप से रहने की आशंका रहेगी। स्वास्थ्य में अथवा माँ घर किसी बुजुर्ग व्यवस्था की व्यस्त और प्रतिसंबंध रहे मित्रों, और आज आपको शिकायतें दूर करनी होंगी, उन्हें पूरा समय दें। बाहर पर नौकरी का अवसर प्राप्त होगा और सफलता भी मिलेगी, कारोबारिक बड़े निवेश में तैयारी रहेगी, युवा वर्ग मन पसंद के कोर्स करेंगे, करियर संबंधित पढ़ाई भी फोकस करना होगा। स्वास्थ्य को लेकर कमर दर्द परेशान कर सकती है, खास तौर पर महिलाओं के लिए सावधान रहें। घर को लेकर कुछ भावनात्मक फैसले लेने होंगे, कोशिश करें कि निष्पक्ष निर्णय लें और परिवार में सभी का सहयोग मिले। कारोबारिक वर्ग में समय के लिए समझदारी, पुराना अनुभव काम में फायदेमंद होगा, उसका लाभ उठाएं, किसी को दिया उधार वापस मिलेगा। युवा वर्ग आज उत आत्मविश्वास से बचना होगा और कैरियर पर फोकस करें। फिजूल के विवाद स्थिति अच्छे मुनाफे का इशारा
इशारा करेंगी और आज सदस्यों के संबंध में खराब हो सकते हैं कि सदस्यों के विवादों को अपने सामान्य बनाने का काम करना होगा। व्यापार कर रही हैं तो संभव है छोटी यात्राएं कर सकते हैं। अपना व्यापार में आर्थिक लाभ भी मिलेगा कि अधिक से अधिक लोगों को संपर्क में आएंगे और आपके लिए फायदेमंद रहेगा और इनकम में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मित्रों यही था आज की राशि का राशिफल। पसंद आया हो तो एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों।